नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? ये ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में कि कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने यहाँ पर हमारे को एक 30,000 रुपये का लोन ऑफर करा है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। हमारे पास यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, तो उसी के ऊपर यहाँ पर 30,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है। ये जो लोन है दोस्तों, हमें बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के मिल जाएगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर आप लोगों को जो लोन मिल रहा है उसकी 0 प्रोसेसिंग फ़ी, यानी आप लोगों को कोई भी 1 रुपया चार्जेस नहीं देना पड़ेगा प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर। 30,000 के 30,000 का पूरा जो अमाउंट है आपके बैंक के अकाउंट में आने वाला है। 60 मंथ तक की EMI, यानी 5 साल तक की EMI आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है कि 14% पर एनम के ऊपर, यानी 14% पर एनम का दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। यानी मंथली जो है वो 1% दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट लगने वाला है। 1.16% मंथली इंटरेस्ट जो है यहाँ पर लगने वाला है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इस लोन के बारे में कैसे लोन मिलेगा और आप लोग भी कैसे अपने कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्या उसके ऊपर लोन है या नहीं है, कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि लोन आपको क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों बता दो, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो हमारे को कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से हमारे क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट ये लोन का ऑफर आया था, लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग भी अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन ऑफर है या नहीं वो कहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप पर हमारे को मैसेज आया, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा हुआ है, डेयर मनोज अग्रवाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अवेल 0 प्रोसेसिंग फ़ी एंड नो डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल लोन ऑफ अप टू 30,000 ऑन योर कोटक क्रेडिट कार्ड एंडिंग विथ 1826। यानी दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड है मेरे भाई का है, लास्ट में इनके क्रेडिट कार्ड के 4 डिजिट दोस्तों यहाँ पर है। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर मैं 60 मंथ तक की EMI यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा तो 698 रुपये की दोस्तों यहाँ पर EMI हमारी बनेगी। तो नीचे लिखा है, यू कैन अप्लाई नाउ बाय क्लिकिंग ऑन, यहाँ पर ये लिंक दे रखा है। तो जब यहाँ पर लिंक पर दोस्तों हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, वो जब आप डाल देंगे तो उसके बाद उसे पूरा खुलकर आ जाएगा कि आप लोगों को कितने का लोन ऑफर हो रहा है। पर्सनल लोन ऑन कार्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, पर्सनल लोन ऑन कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, लोन अमाउंट 30,000 रुपये। अब सिलेक्ट टेन्योर, आप लोग यहाँ पर टेन्योर जो है दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये 60 मंथ का है तो 6, 9, 12, 18, 24 मंथ दोस्तों ऐसे आप लोग टेन्योर सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने मंथ की आपको EMI बनवानी है। जितने ज़्यादा मंथ की दोस्तों आपको EMI बनवाएंगे उतना कम दोस्तों आप लोगों को पर मंथ EMI देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो फ्लैट रहने वाला है 14% पर एनम, यानी कि 1.16% पर मंथ आपका फ्लैट रहेगा। चाहे आप 60 मंथ की EMI कन्वर्ट कराओ, चाहे दोस्तों आप लोग 6 मंथ की EMI कन्वर्ट करवाओ। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर 60 मंथ का जब हमने करा तो यहाँ लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, प्रोसेसिंग फ़ी 0, EMI 698 रुपये। यानी अगर हम लोग 5 साल के लिए यानी 60 मंथ की EMI कन्वर्ट कराते हैं तो हर महीने 698 रुपये हमारे को यहाँ पर भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग चेंज कर सकते हैं टेन्योर, तो आपकी EMI बढ़ जाएगी अगर आप लोग कम EMI चूज़ करते हैं। तो सो ये तो हो गया ऑफ़र कि हमें कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ये लोन का ऑफ़र आया था। अब आप लोग कहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन है या नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों ने अपने कोटक महिंद्रा बैंक की जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है, उसमें लॉगिन कर लेना है। अब जैसे आप लोग उस पर लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो नीचे दोस्तों आप लोगों ने जो क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन होता है आपने वहाँ पर जाना है, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को लोन ऑफर जो है शो होगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर है या नहीं है। तो जैसे दोस्तों आप लोग इस पर क्लिक करेंगे क्रेडिट कार्ड पर, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे लेफ्ट साइड में नीचे 3rd नंबर पर ऑप्शन दिखाई देगा, लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों यही ऑप्शन है कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन है या नहीं है, आप लोग ऑफर जो है चेक कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर लोन ऑन क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका दोस्तों पेज खुल जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा हमने यहाँ पर जब ऐप में खोला तो ऐप के अंदर भी हमारे को दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये का लोन जो है दिखा रहा है।
लोन अमाउंट 30,000 पे, टेन्यर 60 मंथ, यहाँ पर 60 मंथ दिखा रहा है, यहाँ पर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, 14% पर एनम का है, यानी एक साल का है। प्रोसेसिंग फी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये जीरो है, और अगर 60 मंथ की EMI कन्वर्ट कराएंगे तो 698 रुपये की हमारी EMI यहाँ पर जाने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं टेन्यर, जो भी आप लोगों को EMI वगैरह आप लोग चेंज कर पाएंगे। और नीचे दोस्तों आप लोगों ने जो भी जिस भी बैंक में आपको पैसा चाहिए लोन का, वो बैंक नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का था। नीचे आपने IFSC कोड डालना है, IFSC कोड अगर आपको जानते हैं ठीक है, नहीं जानते तो वो भी दोस्तों यहाँ पर कुछ आप लोग ऑनलाइन ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर, पैसे जो है सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट नंबर में जाएंगे, करंट अकाउंट वगैरह करंट अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे, सेविंग अकाउंट में ही पैसे आप लोग ट्रांसफ़र जो है वो कर पाएंगे। फिर कन्फर्म अकाउंट नंबर दोस्तों आप लोगों ने क्लिक करना है, और लोन का जो भी अमाउंट है दोस्तों 30,000 के 30,000 रुपये की कोई भी प्रोसेसिंग फी आप लोगों को नहीं देनी है, यहाँ पर हमें नहीं देनी है क्योंकि मेरे भाई की दोस्तों क्रेडिट कार्ड पर लोन था, तो कोई जीरो प्रोसेसिंग फी का हमारे को ये लोन मिला है। तो कुछ दोस्तों इस तरह से आप लोग जो है ऑफ़र चेक कर सकते हैं लोन का, कि आप लोगों को कहाँ पर जाकर लोन मिल सकता है अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है। बाकी दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी जानकारी आपके पास हो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, किसी पेलेटर ऐप से रिलेटेड, तो हमारे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको उसके बारे में रिप्लाई देंगे। और दोस्तों कोई भी जानकारी हो तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि और लोगों को भी उसके बारे में जानकारी हो पाए। दोस्तों आई होप आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।